आइए हम संदेश में जाएंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। परमेश्वर की आज्ञा है हमें कि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें और उनका आदर करें। जब हम परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनका आदर करेंगे, तब प्रभु की ओर से आप आशीषित होंगे। और वो आशीष क्या है? तीसरा वचन में लिखा हुआ है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कि तेरा भला हो, अगर यूनानी भाषा में हम इसका अर्थ को देखते हैं कि तेरा भला हो, तो इसका मतलब होता है कि तू भला चंगा रहे और सफल और संपन्न रहे और तुझे लंबी आयु प्राप्त हो। याद रखे मेरे प्रियो, बाइबल का वचन स्पष्ट है और बाइबल का वचन कहता है कि यदि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो भी प्रभु में रह करके, क्योंकि कई बार जो माता पिता प्रभु में नहीं होते हैं, वो कई बार ये आज्ञा दे देते हैं, भैया तुम चर्च मत जाओ, प्रभु यीशु को मत मानो, प्रभु यीशु मसीह का भक्ति मत करो। तो ये जो आज्ञा है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये आज्ञा प्रभु की ओर से नहीं है। अगर आप ये आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप ठीक करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आपके माता पिता को भी बुलाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन इसको छोड़ करके आपके माता पिता आपको जो भी आज्ञा देते हैं, आपको उस आज्ञा का पालन करना है। जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने माता पिता को आदर दे रहे हैं, आप अपने पिता परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। और ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल। और वो क्या होगा? कि आप भले चंगे स्वस्थ रहेंगे, सफल और संपन्न रहेंगे और लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। आपको दीर्घ आयु मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं, आज इसी जगह पर चूक रहे हैं, इसी जगह पर मिस्टेक कर रहे हैं, इसी जगह पर पाप कर रहे हैं। और यही कारण है मेरे प्रियो कि आज उनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, कोई संपन्नता नहीं है, यहाँ तक कि न अच्छा स्वास्थ्य है, न चंगाई है, और उनके जीवन में कोई लंबी आयु नहीं है। एक वचन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में निकालो नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 20 वचन। जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। याद रखना मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो जवान की दहलीज से आगे हो गया हो, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता को कोसता है, अपने माता पिता को श्राप देता है, अपने माता पिता से मारपीट करता है, अपने माता पिता के साथ गाली गलौज करता है, या अपने माता पिता का अपमान करता है, अपने माता पिता का वो विरोध अगर वो करता है, तो याद रखना उसके जीवन का जो दिया है ना, वो बुझ जाएगा और उसके जीवन में अंधियारा हो जाएगा। अंधियारे का मतलब क्या है? अंधियारा का मतलब होता है उसका जीवन श्रापित हो जाएगा। अंधियारे का मतलब बीमारी आ जाना उसके शरीर में, गरीबी आ जाना, असफलता आ जाना और कर्ज उसके जीवन में आ जाना, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के कष्ट आ जाना और उसकी जो आयु है वह छोटी हो जाना। जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करता है, वो अपने ही जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, वो अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन एकदम स्पष्ट है। देखो नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका 17 वचन, देखो क्या लिखा। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, आज्ञा उल्लंघन करता है, या बुरा व्यवहार करता है, बुरा सुलूक करता है, उसके विषय में बहुत ही भयानक बात लिखी हुई है, उसका पूरा जीवन जो है वो दुख और कष्ट से भर जाएगा। और इस प्रकार का बात लिखा हुआ है वचन में, देखो कि उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। कौन? जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे,
और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने उस आंख को। याद रखें मेरे प्रिय, जब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष मिलती है, सफलता उन्नति संपन्नता मिलती है और दीर्घ आयु मिलता है। इसलिए देखो पहला तिमोथियुस उसका 5 अध्याय और उसके 4 वचन में देखो क्या लिखा। पहला तिमोथियुस उसका 5 अध्याय और उसका 4 वचन। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। क्या भाता है परमेश्वर को? यदि किसी के घर में, यदि किसी के घर में विधवा है, अगर किसी के घर में मेरे प्रियो अगर अगर विधवा है और वो आपकी माता है, वो आपकी माता है और वो विधवा है, या फिर अगर मान लो घर के अंदर में अगर नाती पोते हैं और तुम्हारे दादा या दादी या नाना नानी जो भी ऐसे विधवा हैं, तो परमेश्वर कहता है पहले तू अपने घर में, अपने घर परिवार के साथ में पहले तू भक्ति का बर्ताव करना, पहले, सबसे पहले। अर्थात परमेश्वर ये कहता है कि अगर हम घर के अंदर में अपने माता पिता के साथ में, अपने माता पिता के साथ में घर के अंदर में हम और चर्च के अंदर में हम अपने आत्मिक माता पिता के, यहाँ पर जो माता पिता के विषय में बताया गया है ये कौन कौन माता पिता हैं? एक वो जिन्होंने हमको शारीरिक जन्म दिया, शारीरिक हमारे माता पिता। एक वो जो हमको आत्मिक जन्म दिए अर्थात हमारे आत्मिक माता पिता, और एक वो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ अर्थात सास और ससुर, वो भी हमारे माता पिता हैं। और वचन क्या कहता है पहला तिमोथियुस 5 अध्याय और 4 वचन में? इस प्रकार से कहता है कि पहले तू अपने घर में अपने माता पिता के साथ अर्थात अपने शारीरिक माता पिता के साथ, अपने आत्मिक माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ और अपने दादा दादी नाना नानी के साथ पहले तू भक्ति का बर्ताव कर, पहले तू उनके साथ भक्ति का बर्ताव कर। जब तू उनके साथ में भक्ति का बर्ताव करेगा ना, तब जब तू मेरी भक्ति करेगा ना, तब मैं तेरी भक्ति को मैं ग्रहण करूंगा और तू मुझे भाएगा, तू मुझे इस रीति से प्रसन्न करेगा और मैं तुझे ग्रहण करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वह परमेश्वर की भक्ति कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, लेकिन घर के अंदर में वो अपने शारीरिक माता पिता और कलीसिया में अपने आत्मिक माता पिता और अपने सास ससुर दादा दादी नाना नानी के साथ में उसका जो बर्ताव है वो भक्तिपूर्ण नहीं है, आदर का बर्ताव नहीं है, परंतु बुरा व्यवहार है और आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यवहार है, अपमानजनक व्यवहार है, तो परमेश्वर कहता है कि तेरी भक्ति को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तेरी सेवा को भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तेरी प्रार्थना को भी ग्रहण नहीं करूंगा और तू मुझे ऐसे, तू इस प्रकार के हरकत में तू मुझे कभी नहीं भाएगा। परमेश्वर कहता है अगर तू मुझसे आशीष पाना चाहता है तो सबसे पहले तू घर के अंदर, सबसे पहले तू कलीसिया के अंदर, सबसे पहले तू अपने शारीरिक माता पिता, अपने आत्मिक माता पिता, अपने सास और ससुर दादा दादी नाना नानी के साथ सबसे पहले तू भक्ति का बर्ताव कर, ये मुझे भाता है और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनका व्यवहार जो है घर के अंदर में माता पिता के साथ, चाहे वो शारीरिक माता पिता हो, चाहे वो आत्मिक माता पिता हो, चाहे उनके सास ससुर दादा दादी नाना नानी हो, व्यवहार अच्छा नहीं है और इसके कारण से उनकी भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही है, उनकी भक्ति परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। आज कई लोग यहीं पर असफल है। अपने जीवन की गवाही से आपको बताता हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में सफलता नहीं है, संपन्नता नहीं है, उन्नति नहीं है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं अपने माता पिता के साथ में मैं अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा था, आज्ञाकारी नहीं था, मैं उनको दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था। जब ये बात मेरे को मालूम चली तो एक दिन मेरे को परमेश्वर का आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया। मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अपने उन सारे मित्रों को स्मरण कर, याद कर जो आज सफल हैं, और अपने उन सारे मित्रों को भी स्मरण कर जो आज असफल हैं, स्मरण कर, ऐसा परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा। और जब मैंने देखा, मैंने अपने उन सारे दोस्तों को, मैं यहां पर विश्वासियों की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य जातियों की बात कर रहा, मैं अपने सारे दोस्तों को देखा
क्योंकि उस समय मैं प्रभु में नया नया था, मेरे को एक साल हुआ था प्रभु में आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता, आशीषें खुल नहीं रही थी। क्यों नहीं खुल रही थी? प्रभु ने मेरे को बताया, प्रभु ने मेरे को बताया कि मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं हूं, मैं उनको दुख देता हूं, मैं उनको कष्ट देता हूं, मेरा व्यवहार उनके साथ में अच्छा नहीं है, मेरे को प्रभु ने मेरे को बताया। और परमेश्वर ने मेरे को बकायदा प्रैक्टिकल रिजल्ट मेरे को दिया। परमेश्वर ने कहा उन सारे अपने मित्रों को देख आज जो सक्सेस है और सफल है। मैंने उनको देखा, सबको स्मरण किया, हाँ मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त, मेरा वो दोस्त जो आज सफल और सक्सेस है। प्रभु का आत्मा ने मेरे को कहा उनका व्यवहार उनके माता पिता के साथ में कैसा था स्मरण कर। और तब मेरी ट्यूबलाइट खुल गई, मेरे दिमाग का जो बत्ती था वो जल गया, और मैंने वाकई में मैंने खुद प्रैक्टिकल मैंने देखा कि मेरे वो सारे मित्र जो अपने माता पिता के साथ में जिनका संबंध अच्छा था, आज्ञाकारी थे, प्यार करते थे, आदर करते थे, मैंने देखा कि वो सारे के सारे जवान स्टेबलिश थे, सेटल थे, सक्सेस थे वो अपनी लाइफ में, सक्सेस थे वो अपनी लाइफ में। और उसके बाद मैंने अपने उन मित्रों का भी आकलन किया जो मेरे समान असफल थे, कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, बस घुमाई फिराई चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। जब मैंने उनकी लाइफ को मैंने जब टटोला तो मैंने देखा कि वे सारे के सारे उनका उनके आत्मा उनके माता पिता के साथ में संबंध अच्छा नहीं था, वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, अपने माता पिता के साथ में झगड़ा झंझट करते थे, वाद विवाद करते थे, वो बेइज्जती करते थे वो। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो सफल नहीं थे, सक्सेस नहीं थे, एस्टेब्लिश नहीं थे, सेटल नहीं थे। और तब मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आया कि मेरी मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं संगति कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरी भक्ति परमेश्वर ग्रहण क्यों नहीं करता, मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता, मेरे लाइफ में सफलता, उन्नति, संपन्नता क्यों नहीं आ रही है, तो मेरे को मालूम चला। और मैंने वहां पर अपनी गलतियों को सुधारा मेरे प्रियो, वहां पर मैंने सुधारा, और जब मैंने सुधारा तो मेरे लाइफ में भी आशीषें, सफलता, संपन्नता, उन्नति आना शुरू हो गई। और ये तब की बात है जब मैं प्रभु में नया नया था, जब मेरे को प्रभु में आए हुए साल भर ही हुआ था। याद रखो मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पर परमेश्वर अपने आशीष की मेह की वर्षा करता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। अगर कोई अधर्मी, क्योंकि परमेश्वर का एक सिद्धांत, एक नियम है, अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति भी परमेश्वर के उस सिद्धांत को अनजाने में ही अगर पूरा कर देगा वो ब्लेस होगा। परमेश्वर का सिद्धांत, जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन करेगा, उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसको चंगाई देगा, स्वास्थ्य देगा, सफलता देगा, संपन्नता देगा, उसको दीर्घायु देगा। अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति ये बात नहीं जानता, लेकिन अगर परमेश्वर के इस वचन को अनजाने में ही पूरा कर ले रहा है तो ये मेह बरसेगी उसके ऊपर, ये आशीष की वर्षा होगी उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई विश्वासी होकर के प्रभु भक्ति कर रहा है लेकिन खुदा के इस वचन के बाहर है, वो बाहर है वो, तो परमेश्वर चाह कर भी उसको ना चंगाई दे पाएगा, ना सफलता दे पाएगा, ना संपन्नता दे पाएगा, ना दीर्घ आयु दे पाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को तोड़कर, अपने वचन से बाहर जाकर कभी किसी को भी ब्लेस नहीं कर सकता मेरे प्रियो, याद रखना। इसलिए भक्ति क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह परमेश्वर की भक्ति करना है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं और मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूं, आपको मैं बता दूं मेरे, आप प्रार्थना कर रहे हैं अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप आराधना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप संगति में जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ में नहीं ले रहे हैं और वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर आपकी भक्ति ग्रहण नहीं करेगा।